हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड फेट एंड फन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज मोमोज। मोमोज की स्टफिंग अलग अलग तरीके से बनती है, तो आज मैं सिंपल वेजिटेबल से स्टफिंग करूँगी। तो आइए बनाते हैं वेज मोमोज। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि गुप्ता, आप देख रहे हैं फूड फेट एंड फन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वेज मोमोज बनाना और उसकी रेड चिली तीखी चटनी बनाना। मोमोज बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है पत्ता गोभी जिसको कद्दूकस कर लिया है, 1 ऑनियन लिया है जिसको चॉप कर लिया है, 1 पीस शिमला मिर्च लिया है जिसको चॉप कर लिया है, अदरक लिया है जिसको कद्दूकस कर लिया है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर लिया है, नमक स्वाद अनुसार, और यहाँ पर 4-5 पौधी अदरक और 1 हरी मिर्च को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। तो आइए अब हम मोमोज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे पत्ता गोभी को चॉप कर लिया था, ऑनियन, शिमला मिर्च, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन, यहाँ डालेंगे 1 टीस्पून नमक। अब इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए साल्ट मिलते ही हमारा मिश्रण पानी छोड़ने लग गया है, तो इसको हम अब छानेंगे जिससे इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहे। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उस पर एक कपड़ा रखा है। आप इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से दबा दीजिए जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। अब इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही रख देते हैं। चलिए हम मोमोज के लिए डो तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है मैदा 100 ग्राम मैदा लिया है मैंने। आप 1/2 टीस्पून साल्ट डालेंगे इसमें। डो को हम बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं गूथेंगे और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं गूथेंगे, इसको नॉर्मल रखेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून तेल मिक्स करेंगे, इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे। दस मिनट के लिए इसको हम रख देंगे जब तक हम चटनी तैयार करते हैं। चटनी के लिए यहाँ पर मैंने टमाटर लिए, 3 टमाटर लिए हैं। टमाटर मैंने रेड कलर के लिए हैं जिसको 4 पीसेस में काट लिया है। 7-8 मिर्च लिए हैं जिसको मैंने 10 मिनट पहले गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था। 9-10 यहाँ पर मैंने लहसुन का पीस लिया है, लहसुन के पीस लिए हैं, थोड़ा सा अदरक लिया है और स्वादानुसार नमक। तो चलिए चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं मिक्सी का जार लिया है, उसमें मिर्च डालेंगे, टमाटर, लहसुन, इसमें लहसुन ज़्यादा ही डालते हैं क्योंकि मोमोज में जितना ज़्यादा लहसुन होता है उतना ही अच्छा लगता है, अदरक। अब हम इसको पीस लेते हैं। तो हमारी चटनी पिसकर तैयार हो गई है। अब हम अपनी चटनी को तड़का वाला टच देते हैं। तो आइए इसमें एक तड़का लगाते हैं। तो यहाँ मैंने पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल लिया है, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डालेंगे और अपनी चटनी डालेंगे। तो हमारी मोमोज की चटनी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं, देखिए हमारी मोमोज की चटनी का कितना अच्छा कलर आया है। देखिए इससे पूरा पानी निकल चुका है।
काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, अदरक लहसुन ऐड करेंगे 1 टीस्पून एंड 1/2 टीस्पून व्हाइट ऐड करेंगे इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मोमोज का मिश्रण तैयार हो चुका है, तो अब हम मोमोज बनाकर तैयार करते हैं। में मोमोज बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 2 गिलास पानी डाला है। जब तक हमारा पानी गर्म होता है तब तक हम मोमोज बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके हम छोटी छोटी पीसेस कर लेंगे। और इसको हम हाथ से अच्छे से गोल गोल कर लेंगे, मिक्स करके ऐसे लोई बना लेंगे छोटी छोटी। चलिए मैं सभी लोई तैयार करती हूँ, बनकर तैयार है। चलिए हम इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। तैयार है, आप देख सकते हैं कितना पतला है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इसको ऐसे उंगलियों में रखेंगे और इसमें स्टफिंग डालेंगे। इसके किनारों पर हल्का पानी लगाएंगे और इसको इस तरह से प्लेट्स बनाकर फोल्ड करते जाएंगे। आप चाहें तो गोल बना सकते हैं या फिर ऐसे ही इस डिजाइन के भी बना सकते हैं। आज हम कढ़ाई में मोमोज बना रहे हैं, इसीलिए इस छन्नी का यूज करेंगे। इसमें हमने ऑयल लगा लिया है और इस कढ़ाई के ऊपर रख देंगे और इसमें अब अपने मोमोज को रख देंगे। मोमोज को थोड़ा दूर दूर रखेंगे क्योंकि स्टीम होंगे तो फैलेंगे, इसलिए इनको थोड़ा दूरी पर ही रखेंगे। और इसको ऊपर से ढक्कन से ऐसे ढक देंगे। हमारे मोमोज बनकर तैयार हैं, इसको अब मैं शेप करती हूँ, वो भी मोमोज की चटनी के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।